शिक्षा नगरी कोटा में ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि कोटा पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चार लड़कियों और साथ ही एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी विजय शंकर शर्मा ने बताया कि अनंतपुरा इलाके में वेश्यावृत्ति का बड़ा खेल चल रहा था और इसमें बंगाल से कुछ लड़कियों को बुलाया गया है, जिसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देने के लिए टीमों का गठन किया और साथ ही एक बोगस ग्राहक बनकर ऑनलाइन फेसबुक विज्ञापन पर दलाल से संपर्क किया गया, जिसके बाद दलाल ने उसे निजी होटल में बुलाया और वहां पर रकम के बदले लड़की का सौदा तय हुआ, जिसके बाद इशारा मिलते ही पुलिस की टीमों ने होटल में दबिश दी और साथ ही मौके से चार लड़कियों और दलाल को वेश्यावृत्ति करते हुए पकड़ा। साथ ही पुलिस ने इनके पास से 14,500 रुपए भी बरामद किए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। देह व्यापार का सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर सहायक पुलिस अधीक्षक चतुर्थ डॉक्टर अमृता दुहान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी विज्ञान नगर थाने द्वारा, जिसमें चार महिलाएं जो कि वेस्ट बंगाल की है और उनको लाकर के एक यहाँ का जो एक सरगना है और एक दलाल के मार्फत से वेश्यावृत्ति कर रहे थे, जिनमें से एक व्यक्ति और चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको न्यायालय में पेश करके और इनसे जो और भी जो कॉन्टैक्ट्स हैं और वो हैं उनके अनुसंधान किया जाएगा। अभी इनको आए हुए कुछ दिन हुए हैं और किन किन लोग इसमें लिप्त रहे हैं उनके बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।